हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अन्न लेपन। इसके नाम से क्लियर हो रहा है, अन्न है उसका हमें लेपन करना है। तो इसमें क्या होता है, अन्न लेपन में हम शाली चावलों का जो कल्क है उसका शरीर पर लेप लगाते हैं। जैसे हमारा शाली षष्ठी जो पिंड स्वेद था उसके समान ही होता है, लेकिन अंतर क्या है इसमें, हमने क्या किया था, पोटली बनाई थी शाली षष्ठी पिंड स्वेद में। जो शाली षष्ठी चावल थे उनको पोटली में डालकर जो है वो स्वेदन किया था पेशेंट का। लेकिन इसमें जो चावल बन गए हैं, जो कल्क बन गया है, जो खिचड़ी की तरह वो बन गया है, उसका सीधे ही शरीर पर लेप किया जाता है। ठीक है, अन्न लेप जो होता है वो भी हमारा शाली षष्ठी पिंड स्वेद की भांति गुणकारी होता है। और शाली षष्ठी पिंड स्वेद को बला मूल के जैसे अगर हमें अन्न लेपन के लिए यूज करना है तो शाली षष्ठी जो है हमारे चावल उनको बला मूल पाद के साथ उसी तरीके से हम संस्कृत कर सकते हैं। इसमें जो प्रयुक्त होने वाले द्रव्य हैं वो और क्या क्या हो सकते हैं, जैसे चावल है, गेहूं है, मूंग, उड़द, अलसी है, इनको दुग्ध, दधि या औषध के क्वाथ में पकाकर आप लेप लगा सकते हो बॉडी पर। अगर हम बात करें षष्ठी शाली की तो उनको बलामूल, जल, गोदुग्ध आदि में जो है वो पकाकर जो वो 1/4 शेष रह जाए, यानी उनका खिचड़ी के रूप में बन जाए जो चावल है, उसका पूरी बॉडी पर लेप लगाया जाता है। इसकी विधि क्या है, सबसे पहले क्या करना है, हमने पेशेंट को सिर से लेकर जो है वो पूरे शरीर पर आतुर के सिर सहित पूरे शरीर पर अभ्यंग करने के बाद क्या करना है, जो परिचारक है वो पेशेंट के दोनों ओर आ जाए, मतलब दाएं और बाएं खड़े हो जाए। और फिर जो हमने ये अन्न लेपन के लिए जो बनाया है द्रव्य, यानी शाली षष्ठी को बला मूल क्वाथ दुग्ध या जल में संस्कृत करके जो हमने खिचड़ी की तरह उसको बनाया है, उसको क्या करना है, पूरी बॉडी पर धीरे धीरे जो है वो अनुलोम दिशा में उसको रगड़ना, उसको पूरी बॉडी पर लगाना है। जो ये पायस है, जो ये खिचड़ी या खीर की तरह हमने बनाया है, ये ज्यादा उष्ण नहीं होना चाहिए और रगड़ते समय आतुर को पीड़ा या कष्ट ना हो इस बात का ध्यान रखना है। पूरे शरीर पर ये प्रक्रिया करनी है, मतलब ऐसा नहीं है कि रख देना है, उसको लगाकर रगड़ना है थोड़ा, पेशेंट में मर्दन भी करना है। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा इसमें। फिर जब उसकी हीट सारी निकल जाए पेशेंट में, वो अच्छे से आपने स्वेदन कर दिया उससे, तो आपको पश्चात कर्म क्या करने हैं, पश्चात कर्म में जो आपने वो अन्न लगाया है शाली षष्ठी को, या चाहे आपने उड़द, गेहूं आदि को दूध में पकाकर लगाया था, तो उसको स्वच्छ वस्त्र से साफ कर लेना है। फिर से पेशेंट में आपने पूरी बॉडी पर तेल लगाकर उसका अभ्यंग करना है, और कुछ टाइम के बाद यानी थोड़ा रेस्ट कराने के बाद सुखोष्ण जल से स्नान करने को बोलना है। ये जो अन्न लेपन है इसके गुण क्या है, ये पक्षाघात में, संधिगत वात में, वात रक्त में, शोष में और आम वात में बहुत बेनिफिशियल है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया अन्न लेपन।